पहाड़ों में देखो कितनी तेज बारिश आने वाली है। 4 बजे इतना अंधेरा हो गया ना कि गाड़ियों की लाइट भी ऑन हो गई। मार्केट में ही पहुंची थी कि कितनी तेज बारिश हो गई। अंधेरा तो होने वाला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फ्रेंड्स बच्चों की छुट्टी, तो मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में लग गए गार्डनिंग पे। यहाँ पर कर रहे हैं गार्डनिंग और ये कर रहे हैं आज ग्राफ्टिंग। जो हमारे व्हाइट सदाबहार के प्लांट है ना, उसमें रेड सदाबहार का प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी बहुत गहनता से सोच विचार हो रही है कौन से पौधे में करूँ, रेड में करूँ व्हाइट या व्हाइट में करूँ रेड। बहुत ज्यादा इनको टाइम लग रहा है और मुझे तो बहुत ज्यादा काम करने हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है और उसके बाद नहाना है, कपड़े धोने, मतलब बहुत सारे काम है। और आज मैं सोच रही हूँ मम्मी के घर भी जाना है मुझे, तो वहाँ भी जाऊंगी और भी बहुत सारे काम है घर के। कटिंग कर रहे हैं पहले और उसके बाद ग्राफ्टिंग करेंगे। माली जो है प्लायर से कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हो गई और अब करेंगे इसकी ग्राफ्टिंग। छोटा सा प्लांट ले लिया पहले सदाबहार का, को ना एक कलम जैसी शेप दे दी ब्लेड से। और फिर ये जो पौधा लगा है ना गमले में, इसको भी अच्छे से कलम जैसी शेप दे देनी है। दूसरे प्लांट को इसके अंदर लगा देंगे ऐसे। पे अच्छे से पॉलीथीन लपेट देनी है टाइट करके, एयर नहीं जानी चाहिए। रेडी होगी ये और ये, तो बस अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और देखते हैं 15-20 दिन या महीने में इसमें कब तक फ्लावरिंग होती है। और जब आएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। तो अभी फिलहाल इसको रख देते हैं और बाकी ये करेंगे अभी काम। मैं जाके बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। समय दोपहर के 3 बज गए और मॉर्निंग में ग्राफ्टिंग करने के बाद घर के छोटे बड़े काम निपटाए, उसके बाद लंच बनाया, लंच किया और उसके बाद मैं अब जाकर नहाई हूँ और अभी मैं रेडी हो रखी हूँ मम्मी के घर जाने के लिए। मम्मी के घर जा रही हूँ मैं राखी देने के लिए, क्योंकि मम्मी और की राखी नहीं है ना, तो मैं रक्षाबंधन से पहले ही राखी देने जा रही हूँ। और अकेले जा रही हूँ, बच्चे भी नहीं जा रहे, हस्बैंड भी नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चों का आज फर्स्ट डे ट्यूशन है तो हस्बैंड उनको ट्यूशन छोड़ने जाएंगे। तो चलती हूँ। और सुबह तो इतनी अच्छी धूप थी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, लेकिन अब बारिश का मौसम हो गया और रास्ते में मुझे एक दो और काम है, तो सारे काम निपटाते हुए जल्दी से चलते हैं और इससे पहले कि तेज हो जाए बारिश। पर्स में मैंने राखियाँ भी रख दी और साथ में चार्जर भी रख लेती हूँ। फोन मेरा चार्ज भी नहीं है तो मैंने चार्जर भी रख लिया। और गोप्रो तो मैं ले जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि गोप्रो ना बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। इसी दिन मैं उसका रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि आप इसका एक रिव्यू वीडियो लेके आना और बताना ये कैसे चलता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो भी लेके आऊंगी, तो फिलहाल अभी तो चलते हैं। बारिश ना स्टार्ट हो गई और ऐसा लग रहा बहुत तेज आने वाले, एकदम मौसम अंधेरा हो रखा। ये देखो मौसम कैसा हो रखा। तो जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैं वहाँ पे शूट करूंगी। और एक जगह में मुझे किसी के घर पे भी रुकना है काम से, हर किसी के काम की डाल नहीं सकते ना वीडियो, तो फिर अभी उनके यहाँ पे रुकना है, उसके बाद जाना है मम्मी के घर। बारिश की बूंदे स्टार्ट होगी और मेरी स्कूटी में तो 12:01 हो रहा है और इसका टाइम भी ठीक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे रुकी हूँ मैं पर्स को डिग्गी में डालने के लिए और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ नदी कितना शोर आ रहा है बरसाती नाले का। इस रिवर से आ रहा पानी। पहाड़ों में देखो कितनी तेज बारिश आने वाली है, आसमान में भी काले बादल है। 4 बजे इतना अंधेरा हो गया ना कि गाड़ियों की लाइट भी ऑन हो गई। बहुत खतरनाक बारिश आने वाली है। मार्केट में ही पहुंची थी कि कितनी तेज बारिश हो गई, हल्की हो गई अभी, तो निकलते हैं जल्दी से। वहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी कर दी मैंने, यहाँ जा रही हूँ स्वीट्स लेने के लिए। ऑर्डर कर दी मैंने मिठाई और पैक हो रही है अभी, कितनी ज्यादा भीड़ है मेरे पीछे। तो जैसी मिठाई आ जाएंगी फिर चलेंगे मम्मी के घर। मिठाई ले ली मैंने ये सब। बारिश अब काफी कम होगी तो अब चलते हैं। बारिश के टाइम पे क्या है कि सभी लोग ना अपनी 4-व्हीलर निकाल देते तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। हाँ जी प्रणाम दी। तो उनके घर से भी मैं होके आ गई जहाँ मुझे काम था, फ्रूट्स लेने के लिए रुकी थी मैं, और अब मुझे रुकना है सिर्फ पेट्रोल भराने के लिए। सामने जाना है मुझे और यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ, बारिश से कितना पानी हो गया रोड में, इतना मुश्किल है इसमें जाना। मैं जिस रूट से जा रही ना, ये रूट बहुत बिजी रूट है और यहाँ से मुझे देर लगने वाली है घर पहुँचने में, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, आधे रास्ते में ही हूँ अभी, मम्मी का घर यहाँ से आधा और है अभी। इस जगह में ना हमेशा अंधेरा सा लगता है, ऐसा लगता है रात हो गई हो। रास्ते में मुझे मेरी बहन भी मिलने वाली है, तो वो भी जाएगी मम्मी के घर राखी देने के लिए। और मैं हूँ इस समय रायपुर शिव मंदिर में और अभी मुझे अपनी बहन को कॉल करना है। और ये है शिव मंदिर, यहाँ पर ना अभी टूट गया, ये पता नहीं क्या बना रही। नज़दीक वाले मार्केट में पहुँच गई और अपनी बहन का वेट कर रही हूँ। मेरी बहन ने इस साइड से आना है, इस रोड से जो मेरे बैक साइड में दिखी है, और यहाँ मार्केट से वो लेगी मिठाई और राखी। और यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिखाती हूँ आपको। और सामने भी राखियाँ हैं तो लोग राखी खरीद रहे हैं। तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले ली। अभी बारिश बंद होगी और मैंने रेनकोट उतार दिया
और मेरी बहन का कॉल आया था, उसको आने में टाइम हो रहा ना, तो इसलिए मैं आ गई, क्योंकि मैं अभी दूर से आई हूँ ना, जाना भी है, तो मुझे मम्मी के घर पे मिलेगी, उसके बाद मुझे मनोज भैया के घर भी जाना है, तो अंधेरा तो होने वाला है। चुप, चलते जल्दी। और ये डॉगी देखो, पहुँचने वाली हूँ। और रोड ना काफ़ी अच्छी होगी, ये बिछा दिए ना, पहले तो यहाँ बहुत कीचड़ होता था, इधर आती ना बहुत अच्छा सा लगता है, ये हरे भरे खेत दिखते ना, और वैसे भी इन गलियों में अपना बचपन बीता तो बहुत अच्छा लगता है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बाबू। आज गई हूँ मम्मी के पास। अभिषेक को क्या हाल है बच्चे? अब आइए विनीता, और अंधेरा होने वाला है। हेलो बच्चे। हेलो। हाय। ये है डुगू महाराज। हेलो डुगू, हेलो कर दो। हेलो बच्चे, बच्चे नमस्ते। मम्मी के घर से आ गए हम, और मैं विनीता अब जा रहे हैं मनोज भैया के घर, तो अभी मिठाई लेने जा रही थी। पहुंच गए हम, और इतना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पर, अंधेरा कर रखा बच्चों ने पूरा। तो भैया तो अभी ड्यूटी पे हैं, और भाभी अभी कहीं जा रखी, तो आ रही हैं, तो उनका वेट कर रही। और ये है भाभी का बेटा सागर, ये स्वाति, और जो ये येल्लो है, येल्लो है जो ये छोटा बच्चे, इनके पड़ोस में है ये हमारी भाभी, जो थोड़ा अभी लाइट में साफ नहीं आ रही है। अब चलते हैं घर, और इस समय 9:30 बजे फिर से बारिश शुरू होगी, तो मैंने रेनकोट पहन लिया, और अब चलते हैं, और काफी रात होगी, 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया, तो चलो सीधा घर पे मिलते हैं। फाइनली अपनी कॉलोनी में पहुंच गई, और अभी ना काफी कम लोग हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया ना, और अब मुझे ना सिर्फ डॉगियों से डर लग रहा है कि डॉगी ना चिपके मेरे पे। एक डॉगी तो ये मिल गया रास्ते में, पर प्लीज कुछ मत करना, एक डॉगी ये अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। घर पहुंच गई मैं अभी, और 10 बज गए इस समय, और फर्स्ट टाइम मैं इतनी लेट आई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, पर 2-3 जगह जाना था ना, तो टाइम हो गया, और बस अब रेस्ट करती हूँ, और सबसे पहले मम्मी को कॉल करती हूँ, क्योंकि मम्मी चिंता कर रही होगी ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।